चलाते जिनन तूरे ना महफिल आते तूरे ना हलते मुर्जा के दरबार ना डॉक्टर मालिक कदम बढ़ाओ डॉक्टर मालिक कदम बढ़ाओ नेशो पार्टी जिंदाबाद नेशो पार्टी जिंदाबाद नेशो पार्टी डॉक्टर मालिक बलोच डॉक्टर मालिक बलोच सरदार इस्लाम सरदार इस्लाम मेहरबानी जी नेशनल पार्टी और बीएसओ के कायदीन कारकुनाम ख्वातीन हज़रात मैं आप तमाम दोस्तों को खासतौर पर सरदार असलम बिजनजोर साहब और एडवोकेट हमीद के काबीना के ज़िलाई काबीना तहसील काबीना और यूनिट्स के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने ये कन्वेंशन मुनक्कद की और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों की अपनी बहनों की मशहूर हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट की। दोस्तों आज हम यहाँ पे जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं शायद मैं 70 की दहाई से उसको जानता हूँ। जब मैं और वो 70s में जब नेप के और बीएसओ के कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में थे और हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट थे। मीर आसिफ खान मैं समझता हूं कि उसको जब हमने 2003 के बाद करीब से देखा तो मीर आसिफ खान को मैंने जाती सूरत में एक बहादुर इंसान पाया। उसमें खौफ वाली चीज ही नहीं थी और एक सियासी हवाले से एक ईमानदार और अपने नजरिए के साथ सच्चा वफादार पाया मैंने उसको। वो मुनाफिकत से दूर था, उसकी जद्दोजहद जमहूरी मजामती जद्दोजहद थी। वो अवाम को ताकत का सरचश्मा समझता था, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहता था, वो पाकिस्तान को आईन के मुताबिक देखना चाहता था और वो रियासती अदारों को खासतौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज को सियासत से दूर रखने के काहिल था। और मीर आसिफ खान ने जो दो दफा कौमी असेंबली और दो दफा सेनेट में जो बलूचिस्तान की न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि उसने पाकिस्तान के मजलूम तबकात और महकूम अकवाम की नुमाइंदगी की। वो एक मलंग तबीयत का इंसान था। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कुछ दोस्त थे हमारे जो अब हमें नहीं रहे, वो अजीब लोग थे। जब सोचता हूँ मौल बश को देखता हूँ सोचता हूँ या डॉक्टर यासीन को, बेगरज लोग थे, इतना बेगरज थे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ईमानदारी से मैंने बड़े करीब से देखा है। साथियों ने आप दोस्तों को बहुत से बातें की, कारकुन बैठे हुए हैं बहुत कम लोग यहाँ पे, हम जैसे 60s प्लस वाले हैं ज्यादातर नौजवान हैं। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ जो आप जिहाद कर रहे हैं अवाम को जोड़ने की, कबाइलियत के खिलाफ, जागीरदारियत के खिलाफ, इस्तेसाली तबकात के खिलाफ, उसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक शऊरी और मुनज़्ज़म अंदाज पे आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम सरदार साहब के बहुत मशहूर हैं कि वो न सिर्फ खुजदार में बल्कि तमाम बलूचिस्तान में हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। लेकिन जो आप नौजवान हैं आपकी भी जिम्मेदारी है। जो आप कहते हैं हम कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड्स का अपना एक कल्चर होता था। नंबर वन वो अपने नजरियात के साथ बड़ा वफादार था। वो जानता था कि कोई जुल्म दुनिया के किसी कोने पे हो तो कॉमरेड्स यहां का आवाज उठा लेता था। वो कौम दोस्त भी था, इंसान दोस्त भी था।
तो आपको अपने नजरिया को कैसा कमिटमेंट होनी चाहिए। मैं आप तमाम नौजवानों से, खासतौर पर अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़ें। सबसे पहले तो आप नेशनल पार्टी और BSO के आइन को पढ़ें। जब तक आप आइन को नहीं पढ़ेंगे, ना आपके हकूक अपने समझ में आ जाएगा, ना आपके अपने फराइज। ये दो हिस्से हैं, एक आपको राइट्स देते हैं, फिर उस राइट्स को देने के बाद आपसे कुछ तकाजे भी होते हैं। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि देखें, हमने मुश्किल वक्त देखे हैं और बलूचिस्तान के नाम पे, बलोच के नाम पे हमने यहां इतिहादें भी बनाई हैं और सिंगल पार्टी भी बनाया। 89 में BNM के साथ क्या हुआ और 97 में PNP के साथ क्या हुआ? जो ख्वाहिशात सरदार असलम और बिजनजो ने रखे थे, उनके साथ उन लोगों ने अपने 30-30, 40-40 साल, ये जो हम आज कह रहे हैं यूसुफ मस्ती खान, यूसुफ मस्ती खान की जद्दोजहद अब में से किसी से कम नहीं बलूचिस्तान के लिए, बल्कि हमसे ज्यादा था। वो दिन बहुत मुश्किल दिन था जब ये फैसला किया कि PNP को खत्म करके BNP बना देंगे। बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन बलूचिस्तान की खातिर उन लोगों ने ये कुर्बानियां दी और मीर गौज़ बिज़ंजो के 40-40, 50-50 साल के रफ़का को उन लोगों ने छोड़ दिया। आज भी मैं समझता हूं जब बलोच की इत्तेहाद की बात होती है तो हम एक कदम नहीं, हम 10 कदम आगे जाएंगे, लेकिन हमें यह भी कहा गया कि आप ही बाप के साथ कोई राय निकाले। मैं और वो मर गया है, मैं अभी तक जिंदा हूं। जो पीछी हमने भुगते हैं, मैंने और आसिफ ने, और जो हमारे उस टाइम के हमारे खवातीन या हमारे MPA साहबान थे, उन पे क्या नहीं गुजरी। हर सुबह 9 बजे से टेलीफोन शुरू होते थे और मैं और राजी इस्लाम और रहमत सरदार साहब के पास जाते थे और हमें भी ये कहा गया कि बाप से आप जोड़ें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बकोले खैरजान के हमने इक्तदार को फोकियत दी, इक्तदार को नहीं दी। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, 2002 में यही अफर मीर आसिफ खान को मिला था और मीर आसिफ खान की पार्टी को ऐसे तकसीम की। अगर वो मीर आसिफ खान मान भी जाता था तो उस वक्त वो तकसीम नहीं होती 2002 की। या मैं और मौलबश और यासीन अकरम ये बात मान लेते थे तो 2002 के इलेक्शन में हम जीते हुए थे, फिर हार नहीं गए होते। लेकिन हमने इक्तदार को अहमियत दी और मैं समझता हूं कि ये हमारी नज़रियाती पुख्तगी थी। आज भी हम ये समझते हैं। आप यकीन करें ये बातें मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आप दोस्तों को कहता हूं कि रहमत साहब के वालिद को छोड़ के तमाम फैमिली मेंबरान को नेब में ट्रायल की। मेरे और मीर आसिल खान के फैमिली के जो 6-6 साल की बच्चियां थी उनको नेब ने जो है ना नोटिस की। 44 आदमियों को मेरे और मीर आसिल खान के फैमिली के लोगों को नोटिस की, 44 लोगों को। लेकिन हम दोनों हंसते थे और रहमत हंसता था।